जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। आज की ये पार्टी है चीफ फार्मासिस्ट श्रीमान राजेंद्र सिंह कपकोटी जी की। अपने 39 साल का कार्यकाल समाप्त करने के बाद अपने हॉस्पिटल स्टाफ को दी एक शानदार पार्टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 का ही समय है और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं अपने बगल वाले ग्राउंड में आया हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते भाई एवरीवन, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। सुबह के नजारे पहाड़ों में आप देख सकते हैं, एक तरफ से नदी की आवाज, पंछियों की आवाज और इतना सुहाना मौसम हो रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सुबह के समय जॉगिंग करना बेहद फायदेमंद रहता है। फिर एक गिलास गर्मा गर्म दूध का आनंद लेके क्या मजा आता है। गुड मॉर्निंग ताऊ जी, गायों को छोड़ने के लिए चले। मैं तैयार हूँ नहा धो के, ब्रेकफास्ट करके अब गांव से निकल रहा हूँ मैं कपकोट के लिए। कपकोट मेरे गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में है। बाय बाय। अपने गांव से जैसे आप लोग मार्केट के लिए जाते होंगे ना, सड़क में पहुंचते होंगे और गाड़ी मिलती होगी, लेकिन हमें तो 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही सड़क मिलती है और गाड़ी मिलती है। और गांव में खाने पीने का राशन वासन जो भी सामान आता है ये घोड़े खच्चरों के माध्यम से आता है। लक्की आजकल गांव में आया है। और लक्की क्या हाल है भाई? लक्की ने जैसे कैमरा देखा तो भागने की कोशिश कर रहा लेकिन भागेगा नहीं आज। तो ये है लक्की का गाँव वाला जो घर है, जो प्रॉपर घर है, ये घर है लक्की का। तो लक्की बता रहा है कि फोन चार्ज और पावर बैंक चार्ज करने के लिए 2 दिन के लिए घर आया है। कितना हो गया चार्ज? कितने पावर बैंक? लाइट नहीं है, कहां से करता हूं? लाइट नहीं है यहां पे। तो लक्की बता रहा है फोन चार्ज और पावर बैंक चार्ज करने के लिए लक्की इस टाइम पे गांव आया है और जंगल में रहता है अकेला बुग्यालों में। इसका नाम लक्की नहीं था, इसका नाम मोगली रख दिया था आप लोगों ने। बहुत कमेंट आ रहे थे कि लक्की कहो लक्की मत बोलो मोगली कहो। बाय मोगली। लगभग मेरे गाँव से सड़क तक पहुंचने के लिए हमको चाहिए आधा घंटा, लेकिन मेरी इतनी स्पीड है ना मैं 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं एक दो दिन बारिश क्या हुई, सरयू जी का बहाव भी तेज हो गया है। कल रात इतनी तेज बारिश हुई, सामने रोड के हाल देख सकते हैं, सामने कई पेड़ गिरे हैं देख सकते हैं, एक ये है एक ऊपर, बाकी आगे देखते हैं होता क्या है आगे। अभी ज्यादा बारिश हुई नहीं है, एक दो दिन के बारिश से सड़क के ये हाल अभी देख सकते हैं। ये जगह है रिखाड़ी बैंड और यहां से लेके मुनार तक लगभग 5-6 किलोमीटर हमने ऑफ रोडिंग का सामना करना है। पहला गमा पहला हवा ने बकरियां खोल दी हैं इतने खतरनाक मौसम में। तो हम पहुंच गए कपकोट करीबन 2 घंटे के बाद और आज यहीं पर थी विदाई समारोह में पार्टी। जैसे मैं यहां पर पहुंचा तब तक यहां पर चल रहा था डेकोरेशन का काम। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट साहब। आप सोराग से? आप सूपी से? आप तो मेरे क्षेत्र से हैं, आपको स्पेशली पहलाग। अच्छा, और आप? मैं गुलमपरगढ़, मेरा क्षेत्र है, घर मेरा बागेश्वर में पड़ता है। अच्छा, बागेश्वर पड़ता है। आप? बदियाकोट। आज हमारे श्री कपकोटी जी मुख्य फार्मेसी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट के द्वारा प्री रिटायरमेंट पार्टी यहां पर रखी गई है और उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करेंगे। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और बहुत जल्द हमारे बीच में हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान जी यहां पर पहुंचेंगे, साथ में हमारे
जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर हरीशचंद पोखरिया जी हमारे बीच में मंच पे। आइए जानते हैं जरा श्रीमान राजेंद्र सिंह कपकोटी जी के बारे में। कपकोटी जी का जन्म कपकोट में हुआ था। शुरुआती शिक्षा भी कपकोट से ही प्राप्त किया। मुख्य फार्मेसी अधिकारी तक पहुंचने का सफर। आपकी प्रथम नियुक्ति 2 मई 1985 को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालय हीराखाल पौड़ी गढ़वाल में फार्मेसी अधिकारी के पद पर हुई थी। उसके बाद से आपकी सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहार के जिला बागेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में रही। उसके बाद मई 2022 में आपका प्रमोशन मुख्य फार्मेसी अधिकारी पद पर हुआ था और आज इसी पद से रिटायर्ड होने के उपलक्ष में एक शानदार विदाई समारोह। मैं आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे बीच में हमारे चीफ फार्मासिस्ट हमारे अधिकारी हमारे कपोटी जी का विदाई है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो भी इस गवर्नमेंट सर्विस में आता है और एक 60 ईयर्स के एज के बाद सभी को हम में से ये एक परिवार से थोड़ा सा अलग होना पड़ता है। बाकी अब था इस माहौल को थोड़ा रंगीन बनाने का, तो मेरी आवाज में कुछ गाने। आप लोग तैयार है तो इस माहौल को थोड़ा रंगीन किया जाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन के लिए वो जिंदगी, सदे बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो ऐतबार जीना ऐसे कर। कमला यूं पढ़ो पाटी में, यूं पढ़ो पाटी में। कमला यूं पढ़ो पाटी में, कल जो काटी राखी जुनो जरूरिया बाटी में। कल जो काटी राखी जुनो जरूरिया बाटी में, जरूरिया बाटी में। कमला ना मारे लटका है उमड़े बाजार, कमला ना मारे लटका, ना मारे लटका है ना मारे झटका। सोच सोच
बदनामी की गौरानी में